अजीज तुलबा, आज जो हम सबक पढ़ेंगे वो उर्दू की नवीं क्लास की किताब का चौथा सबक है, जिसका नाम है शायरों के लतीफे। इस सबक में शायर हजरात के अदबी लतीफे बयान किए गए हैं, जिनको पढ़ के यकीनन आप लुत्फ उठाएंगे। इस सबक को लिखने वाले मोहम्मद हुसैन आजाद हैं। सबक के आगाज से पहले कुछ अहम मुश्किल अल्फाज के मानी पर निशान लगा लें। इश्तियाक, शौक, आरजू, बाली, सरहाना, फफोले, छाले, तकरार, बहस, टुक, जरा, खातिर जमई, इत्मीनान, दादा, बच्चों को पालने वाली मुलाजमा, खिलाई, जिसे हम आया कहते हैं या बुआ कहते हैं, जुबान दराजी, बेहुदा गोई, शबे दिजूर, तारीख रात, तूल खेंचना, बात का भर जाना, किसी बात को बढ़ाना। सबक को लिखने वाले मुसन्निफ मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद 1830 में पैदा हुए और इनकी वफात 1910 है। मोहम्मद हुसैन आजाद मरूफ आलमदीन और सहाफी मौलवी मोहम्मद बाकर के बेटे थे। मौलवी मोहम्मद बाकर का नाम इसलिए अहमियत का हामिल है कि उन्होंने उर्दू का पहला अखबार निकाला। मोहम्मद हुसैन आजाद दिल्ली में पैदा हुए। ये वही दिल्ली है जिसे आज हम दिल्ली कहते हैं। 1857 की नाकाम जंगे आजादी के बाद आजाद के वालिद अंग्रेजों के हाथों मारे गए। उन्होंने उन पर सहाफत में बगावत का इल्जाम लगा था, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने उन्हें मार दिया। घर बार लूट गया, तलाशी मुआश में दिल्ली छोड़ दी, लखनऊ और हैदराबाद गए, फिर लाहौर पहुंचकर महकमा तालीम में 15 रुपए माहाना तनख्वाह पर मुलाजिम हो गए। इनके वालिद का जब इंतकाल हुआ, जब उनको मार दिया गया, तो उन्होंने लखनऊ और हैदराबाद को हैदराबाद कहकर लाहौर आ गए। इनकी पहली मुलाजमत महकमा तालीम में हुई थी और इन्हें 15 रुपए महाना तनख्वाह मिलती थी। हुकूमत पंजाब ने इनसे मुतअद्दद नसाबी और दर्सी किताबें लिखवाई। लाहौर में कायम अंजुमन, पंजाब में लेक्चरर और सेक्रेटरी रहे। अंजुमन पंजाब लाहौर की बहुत पुरानी अंजुमन है,
इस अंजमन के तहत लाहौर में मुशायरे मुनक्किद हुआ करते थे। आखिरी दिनों में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ने अरबी और फारसी के प्रोफेसर मुकर्रर हुए। ये वही गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है जहां से इलामा इकबाल ने भी अपनी तालीम हासिल की। 1888 में दमागी मर्ज शुरू हुआ जो मरते दम तक कायम रहा। मरने से पहले इन्हें दमागी बीमारी लाहक हो गई थी। आजाद उर्दू के साहबे दर्द नसर निगार हैं। वो अपने असलूबे बयान के मौजूद भी हैं और फातिम भी। इनका तमसीली असलूबे बयान इन्हें अपने अहद के अदीबों और नसर निगारों में मुंफरिद बनाता है। यूं तो उर्दू में लिखने वाले बहुत थे, मगर आजाद ने जो असलूब बयान इख्तियार किया वो उनका तमसीली रंग है। तमसील क्या होती है, इसमें ऐसी कहानी बयान होती है जिसमें आपको किरदार चलते फिरते नजर आएंगे। वो किरदार किसी तरह के भी हो सकते हैं, हर तरह के किरदार, वो उनमें जामित किरदार भी शामिल हैं, जैसे पत्थर, दरख्त, और इनको बातें करते दिखाया जाता है। इनके असलूब का जो अहम तरीन खूबी है वो यही है कि इनके असलूब में हमें उसका तब्दीली रंग मिलता है। तखयुल अफीनी, पीकर तराशी, तजसीम निगारी, शेरियत और रंगीनी, वाकिया निगारी, नफ्सियाती हकीकत आरई और मुबालगा आरई, इनके असलूब भी नुमाया खसूसियत है। तखयुल आपको पता है कि आपकी सोच बहुत गहरी सोच को हम तखयुल कहते हैं। पीकर तराशने का मतलब है कि किरदारों को मुकम्मल तौर पर दिखाना, यानी सर से लेकर पांव तक किरदारों को ज्ञान, उनकी जो शक्लो शबाहत है, शक्ल सूरत है, उनकी जिसामत, पूरे का पूरा किरदार बयान करना। तजसीम निगारी हम कहते हैं किरदारों को मुजस्सम बनाकर दिखाना। वाकिया निगारी, जो वो लिखते हैं उसमें वाकियात को भी बताते जाते हैं। और नफ्सियाती हकीकत आरई से मुराद है कि किरदारों की जो सोच है उनकी सोच का तनाजुर क्या है, वो किस तरह सोचते हैं, वो सब बयान करना। मुबालगा आरई, बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, इनके असलूब में ये सब बातें शामिल हैं। उनका अंदाज़े बयान नसर का एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश शाहकार है जिसने इनके बाद आने वाले अदीबों की अक्सरियत को मुतासिर किया। खूबसूरत और दिलनशीन नसर के अलावा उनका एक बड़ा कारनामा उर्दू में जदीद तर्ज़ शायरी है, जिसकी इब्तदा अंजमन पंजाब लाहौर के मुशायरों से हुई, जिसके वो सेक्रेटरी थे। अंजमन पंजाब लाहौर का मैंने आपको पहले ही बताया है,
कि यहाँ इस अंजुमन के तहत मुशायरे मुनक्कद होते थे जिसमें शायर हजरात बड़े जोश व जज्बे के साथ हिस्सा लिया करते थे और इस अंजुमन पंजाब के वो सेक्रेटरी थे। आजाद की तसानीफ में आबे हयात, दरबारे अकबरी, नेरंगे ख्याल, कसरते हिंद और सुखनदाने फारिस बहुत मशहूर हैं। अपने उस्ताद इब्राहिम तोफ का दीवान भी आजाद ने मुरतब किया। इब्राहिम तोफ भी उर्दू के अजीम शायर हैं और इनका एक कारनामा ये है कि अपने उस्ताद यानी इब्राहिम तोफ का लिखा हुआ दीवान भी आजाद ने मुरतब किया, उसको तरतीब दी। आजाद ने मौजूआती नज़में भी लिखी जो नज़में आजाद में शामिल हैं। कुछ ऐसी नज़में हैं जो मौजूआत के लिहाज से बड़ी अहमियत की हामिल हैं और ये उनकी किताब नज़्मे आज़ाद में शामिल हैं। ये सब तसानीफ यानी किताबें बहुत अहमियत की हामिल हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत इसमें बयान किए गए हैं। अब हम इनका लिखा हुआ ये मज़मून शायरों के लतीफे में पढ़ते हैं कि कौन सी अहम बातें या कौन सी अहम और दिलचस्प तहरीर इन्होंने बयान की है। शायरों के लतीफे इस सबक को पढ़ने के बाद आपको ये अंदाजा होगा कि हमारा अदब शायरी के साथ साथ तंज और ज़राफ़त जैसी खसूसियात का भी हामिल है। ये लतीफे आम तौर पर आपको उन लतीफों से मुख्तलिफ नजर आएंगे जो अमूमन आप सुनते हैं या किसी रिसाले और मैगज़ीन में पढ़ते हैं। लतीफा क्या होता है? किसी बात को इस तरह मतालिया अंदाज में बयान किया जाए कि इसका हुसन भी भर जाए और सुनने वाले को अच्छा भी लगे, लतीफा कहलाता है। शायर लोग जब आपस में मिलकर बैठते हैं तो उनकी अदबी गुफ्तगू में मजा शामिल होता है और वो जू मानी बातें जो वो मजाया अंदाज में करते थे और ऐसी बातें जिसके दो मतलब होते थे उसमें लताफत के साथ साथ गहरा तंज भी होता है। मौलाना मोहम्मद हसैन आज़ाद ने अपनी किताब आबे हयात में शायर हजरात के मुतल्लिक जो बातें लिखी वो बजाय खुद अदब का एक अनमोल खजाना है। एक दिन लखनऊ में मीर और मिर्जा के कलाम पर दो शख्सों ने तकरार में सुनी है। दोनों ख्वाजा बासित के मरीज थे। तकरार का मतलब है लड़ाई
और टूल खींचने का मतलब है लड़ाई मंदी हो गई, यानी लड़ाई इतनी भड़ गई कि आप आपस में सख्त जुमलों पर या सख्त तरीन मजाहिया जुमले तक पहुंच गई। दोनों ख्वाजा पाकिस के मरीज थे, उन्हीं के पास गए और अर्ज की कि आप फरमाएं। उन्होंने कहा दोनों साहबे कमार हैं। यहाँ एक चीज मैं आपको बताती जाऊँ कि मीर से मुराद यहाँ पे मीर तकी मीर है और मिर्जा से मुराद मिर्जा सोदा है। मीर और सोदा दोनों एक ही अहद के बेहतरीन शायर थे। तो हुआ कुछ यूँ कि एक दिन मीर तकी मीर और मिर्जा सोदा के कलाम पर दो शख्सों के दरमियान झगड़ा हो गया। अब वो दोनों ख्वाजा बासित के पास गए कि इंसाफ करें। तो ख्वाजा बासित ने उनसे ये कहा कि दोनों ही सादे कमाल हैं, मगर फर्क इतना है कि मीर साहब का कलाम आ है और मिर्जा साहब का कलाम वाह है। मिसाल में मीर साहब का ये शेर पड़ा, सरहाने मीर के अहिस्ता बोलो अभी सुख रोते रोते सो गया है। मीर के सरहाने आहिस्ता बोलो, यानी वो अभी थोड़ी देर पहले ही रोते रोते सो गया है। उनकी बात सुनकर ख्वाजा बासित से ये कहा कि दोनों के कलाम में सिर्फ आ और वाह का फर्क है। पहले उन्होंने मीर का शेर पढ़ा, फिर ख्वाजा बासित ने मिर्जा का शेर पढ़ा जो कुछ यूं था, सोदां की जो बाले पे हुआ शोरे कयामत, खुदा में अदब बोले अभी आंख लगी है। ये सोदा का शेर है, यानी मिर्जा रफीउद्दीन सोदा। अब मीर के शेर में आप देखिए आपको रोना धोना सा मिल रहा है कि अभी टुक रोते रोते हो गया है, लेकिन सोदा के हाँ ऐसा नहीं है। सोदा के शेर के अंदर थोड़ी सी जराफत नजर आएगी। बाली सरहाने कहते हैं, सरहाना, यानी जब मिर्जा सोदा के सरहाने के पास क्यामत जैसा शोर हुआ तो वो उठकर बोले बड़े अदब से कि अभी आंख लगी है। इनमें से एक शख्स जो मिर्जा के तरफदार थे वो मिर्जा के पास भी आए और सारा माजरा बयान किया। यानी इस वाक्य के बाद जब ख्वाजा बासित ने उन दोनों के मबैन फर्क किया कि एक का कलाम आ है और दूसरे का कलाम वाह है, तो फिर वो उनमें से एक शख्स मिर्जा सोदा के पास यही बात बताने आया तो मिर्जा भी मीर साहब के शेर को सुनकर मुस्कुराए और कहा, शेर तो मीर का है मगर दाद ख्वाही उनकी तादाद ही मालूम होती है। ये शेर तो मीर का ही है मगर इस शेर को कहने वाले, दाद ख्वाही का मतलब ये है इस शेर को कहने वाले उनकी तादाद ही मालूम होती है। तादाद वो आया जो बच्चों को सुलाती है, या वो मुलाजमा जो बच्चों को सुलाने के वक्त मुख्तलिफ डोरियां सुनाती हैं। तो वो कहते हैं कि शेर तो करते मीर का ही है मगर दाद हमें इनकी आया को देनी चाहिए। जिन्होंने ये कहा कि अभी मीर के सराने आए तक बोलो अभी कुछ देर पहले ही वो रोते रोते सो गया है। यानी असल में मिर्जा सोदा का ये कहना था
शेर तो मीर का ही है, लेकिन ख्यालात उनकी दाया के लगते हैं, उनकी बुआ के लगते हैं, दाया के लगते हैं। दूसरा लतीफा देखिए, एक दिन सौदा मुशायरे में बैठे थे, लोग अपनी अपनी गजलें पढ़ रहे थे। एक शरीफ दादे की 12-13 वर्ष की उम्र थी, उसने गजल पढ़ी। मतला था, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। एक मुशायरा था जिसमें मिर्जा सौदा बैठे थे और सब अपनी अपनी गजलें पढ़ रहे थे। 12-13 वर्ष की उम्र का एक बच्चा, एक लड़का, वो भी वहाँ पे शामिल था और उसने ये गजल पढ़ी जिसका आगाज कुछ यूँ होता था कि दिल के पखोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जिसकी गजल का पहला मतला है, पहला शेर है। गर्मी कलाम सौदा भी चूक पड़े। देखिए इसमें गर्मी कलाम क्यों कहा था, कलाम हम शायरी को कहते हैं, तो इस शायरी के अंदर, इस शेर के अंदर जल उठना, आग लगना, इस शेर के अंदर कलाम में जोश पैदा हो रहा है। और जब उन्होंने ये शेर सुना तो वो चौंक पड़े, पूछा ये मतला किसने पढ़ा। लोगों ने कहा हजरत ये साहबजादा हैं। सौदा ने भी बहुत तारीफ की, बहुत मर्तबा पढ़वाया और कहा मियां लड़के जवान होते नजर नहीं आते, क्योंकि उसकी उम्र 12-13 वर्ष की थी। और उन्होंने कहा मियां लड़के तुम जवान होते नजर नहीं आते। और खुदा की कुदरत उन्हीं दिनों में लड़का जलकर मर गया। यानी इस शेर के कुछ अरसे के बाद ही वो लड़का जलकर मर गया। क्योंकि इस शेर में बात ही घर को आग लगने की गई थी और घर का चिराग जाहिर है बेटे को कहा जाता है, तो इत्तेफाक ही ऐसा हुआ कि इस शेर के कहने के कुछ अरसे के बाद ही वो लड़का मर गया। लतीफा नंबर 3 देखिए, एक दिन इंशाअल्लाह खान जुड़क की मुलाकात को आए। इंशाअल्लाह खान भी उर्दू अदब के एक शायर हैं। एक दिन जुड़क किसी जगह बैठे हुए थे कि वो उनके पास आए, देखा तो सर झुकाए बैठे कुछ सोच रहे थे। उन्होंने पूछा कि किस फिक्र में बैठे हो। जुड़क ने कहा कि एक मिसरा ख्याल में आता है, यानी एक मिसरा ज़हन में आता है। किस फिक्र में बैठे हो, इसका मतलब ये है कि क्या सोच रहे हो। तो जुड़क ने ये कहा कि मुझे मेरे ज़हन में एक मिसरा आता है, चाहता हूँ कि मतला हो जाए। यानी मैं चाहता हूँ कि ये जो मिसरा है वो मेरे किसी गजल का मतला बन जाए, पहला शेर बन जाए। उन्होंने पूछा कि क्या है। जुरत ने कहा खूब मिसरा है। मिसरा आपको पता है कि एक शेर का पहला मिसरा, एक शेर के दो मिसरे होते हैं ना, तो शेर का पहला मिसरा वो जुरत के जहन में था, मगर जब तक दूसरा मिसरा ना होगा तब तक ना सुनाऊंगा, नहीं तो तुम मिसरा लगाकर इसे भी छीन लोगे। अब वो कहते हैं जी मिसरा लगाकर छीन लोगे, यानी तुम अपना दूसरा मिसरा बना लोगे और फिर मेरा शेर जो है वो मुझसे छीन कर ले जाओगे, ये उनका मतलब था। सैयद इंशा ने बहुत इसरार किया, आखिर जुड़त ने पढ़ दिया। इस जुल्फ पे भक्ति शबे दिजूर की सूझी। जुल्फ हम बालों को कहते हैं और शबे दिजूर तारीख स्याह रात को कहते हैं। यानी ये जो तुम्हारी जुल्फे हैं ये तारीख स्याह रात की तरह की है। सैयद इंशा ने फौरन कहा अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी।
आपको मैं एक चीज बताती जाऊं कि जूरट जो थे वो अंधे थे, ब्लाइंड थे। तो इंशाउल्ला खान ने फौरन दूसरा मिसरा जब पढ़ा तो जूरट हंस पड़े और अपनी लकड़ी उठाकर मारने को दौड़े। देर तक सैयद इंशा आगे आगे भागते फिरे और ये पीछे पीछे टटोलते फिरे। उर्दू शायरी के अंदर आज भी ये शेर दो शायरों का लिखा हुआ है, पहला मिसरा जूरट का और दूसरा मिसरा सैयद इंशाउल्लाह खान का ही समझा जाता है। लतीफा नंबर 4 देखें। एक मुशायरे में शेख अमाम बख्श नासिर ऐसे वक्त पहुंचे कि जलसा खत्म हो चुका था, मगर ख्वाजा हैदर अली आतिश वगैरह चंद शोरा भी वहां पे मौजूद थे। ये जाकर बैठे, एक मुशायरे में कुछ शायर हजरात मौजूद थे और शेख अमाम बख्श नासिर उस जलसे में ताकीर से पहुंचे, तजीम रस्मी और मसाज कुर्सी के बाद कहा, यानी तजीम रस्मी का मतलब है अदाबो सलाम और दुआ के बाद और खैरियत मालूम करने के बाद, मजाज कुर्सी खैरियत मालूम करना, कि जनाब ख्वाजा साहब मुशायरा हो चुका, उन्होंने कहा कि सबको आपका इश्तियाक रहा, यानी मुशायरा तो अब खत्म हो चुका है और सभी आपके इंतजार में थे, शेख साहब ने ये मतला पढ़ा, यानी शेख अमाम बख्श नासिक उन्होंने ये मिसरा पढ़ा, ये मतला पढ़ा, जो खास है वो शरीके ग्रोह आम नहीं, शुमारे दानाए तस्बीह में अमाम नहीं। एक तस्बीह में एक बड़ा सा दाना होता है जिसको हम उस तस्बीह का अमाम कहते हैं। तो वहां पे जो मजलिस में लोग शरीक थे उनके बारे में अमाम नासिक ये कह रहे हैं कि इस मजलिस के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो सब के सब खास हैं, मगर सच तो ये है कि इस मजलिस के अंदर अमाम नहीं था। अमाम उन्होंने खुद को कह दिया, जिस तरह एक तख्ती होती है उसमें एक भरा दाना होता है जिसको हम अमाम कहते हैं और उस दाने की अपनी अहमियत होती है, खास अहमियत होती है, इसी तरह वो कहते हैं कि मैं इस मजलिस का खास शख्स था और जो वो वहां पे शरीक थे वो लोग खास हैं, आम नहीं है। चूंकि नाम भी इमाम बख्श था इसलिए तमाम अहले जलसा ने नहायत तारीफ की, लिहाजा अमाम उनका नाम था, तो उन्होंने तस्बीह के दानों में अमाम की बात करकर यानी अपना नाम उन्होंने उसमें फिट करके सब अहले जलसा को हंसा दिया और सभी ने उनकी इस शेर की तारीफ की। लतीफा नंबर 5 देखें। एक शागिर्द अक्सर बेरोजगारी की शिकायत से सफर का इरादा जाहिर किया करता था और ख्वाजा साहब, यहाँ ख्वाजा साहब से मराद हैदर अली आतिश हैं, अपनी मजाज कुर्सी से अपनी आजाद मिजाजी से कहा करते थे कि मियाँ कहाँ जाओगे, दो घड़ी मिल बैठने को गनीमत समझो और खुदा और जो खुदा देता है इस पर सब्र करो। यानी हैदर अली आतिश के एक शागिर्द को, शागिर्द बेरोजगार थे और उन्होंने एक शहर से दूसरे शहर जाने का जब इरादा किया तो उनके उस्ताद साहब ने उन्हें समझाया कि अल्लाह ताला जो देता है उसको गनीमत समझो और उसी पर कनायत करो, उसी पर सब्र करो जो मिल जाए। एक दिन वो आए और कहा कि हजरत रुखसत को आया हूँ, यानी मैं जाने वाला हूँ। फरमाया खैर बाशत कहाँ, उन्होंने कहा कल बनारस को रवाना होऊंगा, बनारस एक जगह का नाम है, कुछ फरमाइश हो तो फरमा दीजिए। यानी शागिर्द अपने उस्ताद से पूछ रहा है कि अगर आपने कुछ
मंगवाना है या कोई फरमाइश है तो बताएं। आप हंस कर बोले, इतना काम करना कि वहां के खुदा को जरा हमारा भी सलाम कह देना। वो हैरान होकर बोले कि हजरत, यहाँ और वहाँ का खुदा जुदा है। ख्वाजा साहब ने कहा, जब खुदा वहाँ यहाँ एक है तो फिर हमें क्यों छोड़ते हो? जिस तरह उससे वहाँ जाकर मांगोगे उसी तरह यहाँ मांगो, जो वहाँ देगा यहाँ भी देगा। इस बात ने उनके दिल पर ऐसा असर किया कि सफर का इरादा मकूफ किया और खातिर जमीन से बैठ गए, यानी अपने उस्ताद की बात मान ली और इरादे को तर्क कर दिया। ये उनका समझाने का एक अंदाज था कि जो खुदा यहाँ है वो यहाँ पर भी अगर तुम मानोगे तो यहाँ पर भी वो दे सकता है, यानी अगर तुम्हारी किस्मत में कुछ मौजूद है तो वो अल्लाह तुम्हें यहाँ भी दे देगा। इसके लिए शहर क्यों छोड़ते हो? और यही बात शागिर्द की समझ में आ गई और उसने जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। लतीफा नंबर 6 देखिए। एक दिन मामूली दरबार था, उस्ताद इब्राहिम ज़ोब भी हाजिर थे। एक मुर्शिदज़ादे तशरीफ लाए, वो शायद किसी और मुर्शिदज़ादी या बेगमात में से किसी बेगम साहब की तरफ से कुछ अर्ज लेकर आए थे। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बादशाह से कुछ कहा और रुखसत हो गए। दरबार आपको पता है बहादुर शाह गफर दरबार लगाए बैठे थे। इब्राहिम ज़ोब बहादुर शाह गफर को चूंकि शायरी सिखाया करते थे, इसलिए उस दरबार में एक मुर्शिदज़ादा आया और वो बेगमात में से किसी बेगम साहब की तरफ से कुछ अर्ज लेकर आए, यानी किसी बेगम की कोई फरमाइश लेकर आए, और वो फिर बादशाह से उन्होंने कुछ कहा और रुखसत हो गए। हकीम अहसनुल्लाह खान भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, साहबे आलम, इस कदर जल्दी ये आना क्या था और तशरीफ ले जाना क्या था? साहबे आलम की जुबान से इस वक्त निकला कि अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। बादशाह ने उस्ताद की तरफ देखकर फरमाया कि उस्ताद, देखना क्या साफ मिसरा हुआ है। यानी बात चूंकि मौके के मुनासिब से थी और उन्होंने जब ये मिसरा कहा तो उन्होंने जब ये बात कही तो बादशाह ने उनकी इस बात की तारीफ की और कहा कि देखो कितना साफ मिसरा सा बन गया है। उस्ताद साहब ने बेतवक्कुफ अर्ज की कि हजूर, लाई हयात आई कजा ले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चली चले। उसी वक्त ही ये शेर बोला गया और इब्राहिम ज़ोब ने बादशाह बहादुर शाह ज़फर को ये शेर सुना दिया। इस तरह ये दोनों मिसरे मिलकर एक शेर बन गए। लतीफा नंबर 7 देखें। मिर्जा गालिब की काते बुरहान के बहुत शख्सों ने जवाब लिखे हैं। काते बुरहान मिर्जा गालिब की किताब है और वो बहुत जुबान दराजियां की हैं। किसी ने कहा कि हजरत, आपने फलां शख्स की किताब का जवाब न लिखा। फरमाया, भाई अगर कोई गदा तुम्हारे लात मारे तो तुम इसका जवाब उसका क्या जवाब दोगे? यानी अगर किसी शख्स ने मेरी किताब पर तनकीद की है तो उसकी सूरत हाल बिल्कुल वैसी ही है जैसे कोई गधा तुम्हें लात मार दे, तो जवाब उसके बदले में तुम लात तो नहीं ना मारोगे। तो इस तरह गालिब ने बड़े तरीके से जब लोगों ने बहुत सारी गुस्ताखियां की तो एक शख्स ने कहा कि आप उन्हें जवाब क्यों नहीं देते। इस तरह से गालिब ने अपनी बात की वजाहत की कि अगर कोई गधा तुम्हें लात मारे, यानी मेरी किताब के अगर ऊपर कोई तनकीद करता है तो जरूरी नहीं समझता कि मैं उसका जवाब जो है वो
गधे को लात मारने के बराबर दूँ। ये तमाम लतीफ़े मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब आबे हयात से लिए गए हैं। कल हम इसकी मशक करेंगे। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल तमाम तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी, जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से क्लास अव्वल तक दहम ये तालीमी बोर्ड तैयार किया गया है, जिससे आप मैट्रिक तक का इम्तिहान बगैर किसी ट्यूशन पास कर सकते हैं। मजीद KPK का निसाब भी मौजूद है। हमारी तमाम वीडियोस YouTube पर मौजूद हैं। किसी किस्म की कोई फीस नहीं चार्ज की जाती। आप हमारे Zoom प्रोग्राम में भी दाखिला ले सकते हैं। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल। इसको इस तरह पढ़ना है कि अभी तक हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि 1/2 क्या होता है। As follows, एक जनरल इक्वेशन हमें बताई गई है फोटोसिंथेसिस की, हम लोग उसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास इतना इसका, तो फिर ये बन जाता है, ये है सर्कल ही, ठीक है। अगर हम जोड़ देंगे तो ये सर्कल हो जाएगा, लेकिन अभी ये क्या है, हीट, उस हीट पर कम तभी को ट्रांसफर कीगी हागा तभी के बमंगवायो थर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है। यहाँ पर मेन काम होता है कि पानी को अब्जॉर्प्शन का, यानी कि उसकी कंजर्वेशन का मेन काम कहाँ पर होता है, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यानी वुमेन कैप्स।